रौंचल विश्वविद्यालय के द्वारा आपका पीजी सेमेस्टर की परीक्षाएं के टाइम टेबल्स जारी कर दिएगा। जी हाँ, जैसा आप सब काफ़ी दिनों से परेशान थे, यूजी सेमेस्टर का एग्जामिनेशन या यूजी सेमेस्टर का टाइम टेबल जारी कर दिया गया था और पीजी के स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे सर हम लोग का एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट होगा, हम लोग का टाइम टेबल कब आएगा। तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा आज आपका पीजी का भी टाइम टेबल जारी कर दिया गया। अगर हम बात करें पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो पीजी के टाइम टेबल्स जारी किए गए हैं वह कितने शिफ्ट में आपके पेपर्स होने वाले हैं और हम बात करेंगे पूर्वांचल विश्वविद्यालय का जो पीजी का टाइम टेबल है वह किस डेट से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और किस डेट तक आपके पेपर कंप्लीट होने वाले हैं। आज हम लोग इस टॉपिक पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ आप माई टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से रिलेटेड सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए शुरू बात करते हैं क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा आपकी पीजी की टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखते हैं एक प्रेस विज्ञप्ति पूर्वांचल विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपलोड की गई है। जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है वहाँ पे लिखा हुआ है सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि सत्र 2023-24 की स्नातकोत्तम सप्तम एवं नवम सेमेस्टर परीक्षा कार्यक्रम निर्गत किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर हम बात करें स्नातकोत्तर की बात करें जहाँ पे आपको मालूम है जितने भी पीजी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप एमए के स्टूडेंट हो, चाहे आप एमएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप एमकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो या थर्ड सेमेस्टर के, यहाँ पे देख सकते हैं सप्तम नवम सेमेस्टर के परीक्षा कार्यक्रम को निर्गत किया गया, जारी कर दिया गया, विश्वविद्यालय की वेबसाइट आईडी पर अपलोड कर दी गई है। उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें। अब देख सकते हैं, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपकी परीक्षाएं हैं वो कब से स्टार्ट हो रही हैं और आपकी परीक्षाएं कब से कब तक चलने वाली हैं। तो ये देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जारी किया गया आज ही आपकी परीक्षा नियंत्रक के द्वारा 24/11/2023 को यह आपका इन्फॉर्मेशन जारी की गई, जहाँ पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है पीजी के स्टूडेंट्स का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं, परीक्षाएँ आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमए एमएससी एमकॉम के स्टूडेंट्स का, जो आपके भाग ए यहाँ पर सप्तम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। जितने भी एमए एमएससी एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी की अगर हम बात करें तो आपकी भी जो परीक्षाएं होंगी वो दो पारियों में कंडक्ट होंगी। आपकी भी परीक्षाएं जो होंगी वो दो घंटे की होंगी। जैसा पेपर की अगर हम बात करें, सेक्शंस की बात करें, जैसा फर्स्ट सेमेस्टर यूजी और थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर का हो रहा है वैसे ही आपके भी पेपर्स आएंगे। बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा पेपर पैटर्न पे, आपका पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है। आप देख सकते हैं जो आपकी परीक्षाएं वो दो घंटे की होंगी। तो जैसा आप बात करें पेपर पैटर्न की, तो सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन आपके 3 नंबर के होंगे, और सेक्शन बी की बात करें वहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन होंगे जिसमें से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे और सभी क्वेश्चन आपके 10 नंबर के होने वाले हैं। और लास्ट और सेक्शन सी की बात करें जहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन होंगे वहाँ से सिर्फ आपको 1 क्वेश्चन करने होंगे और वो क्वेश्चन आपके 15 नंबर के होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके टोटल नंबर हो गए 30+30+15, टोटल आपके 45 नंबर के पेपर आपके होने वाले हैं इस प्रकार से। तो आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट हो, किसी भी आप सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप सबके लिए सेम पेपर पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, देख सकते हैं जो आपके पेपर्स होंगे वहाँ पे आपको जो द्वितीय पाली है आप कह सकते हैं सेकंड इनिंग में आपकी कोई भी परीक्षा कार्यक्रम को जारी नहीं किया गया। तो आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो सिर्फ दो पारियों में कंडक्ट होगी, एक प्रथम पारी में और एक होगी आपकी लास्ट इनिंग में। प्रथम पारी की जो परीक्षाएं होंगी सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और जो तृतीय पारी की परीक्षा होगी दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक परीक्षा होने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है। अब बात कर लेते हैं जो आप परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर अब आपकी परीक्षाएं चलने वाली हैं। काफ़ी लंबी पेपर आपके चलने वाले हैं। जैसा आप सबको मालूम है जो आपका लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर आपका 18 दिसंबर को है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जो परीक्षाएं हैं वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर 18 दिसंबर तक आपकी कंप्लीट परीक्षाएं चलने वाली हैं, जो कि आपने देखा आपका परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है। नेक्स्ट पार्ट्स में हम बात करेंगे जो आपकी एमए एमएससी एमकॉम के नवम सेमेस्टर कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का परीक्षा कार्यक्रम किस प्रकार जारी किया गया और उनकी परीक्षाएं कब से स्टार्ट होगी, कब तक परीक्षाएं चलने वाली हैं। आपके फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं या कह सकते हैं सेवन्थ सेमेस्टर की जितनी भी पीजी के पेपर है वो आपके 18 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में अगर हम बात करेंगे पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जो आपके थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट या आप कह सकते हैं नाइन्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी परीक्षाएं किस डेट से स्टार्ट हो रही है और उनकी परीक्षाएं कब तक चलने वाली हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा जिस प्रकार परीक्षाएं कार्यक्रम जारी कर गए हैं वहाँ पर भी सेकंड सेमेस्टर या सॉरी थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी परीक्षाएँ होंगी वो दो पारियों में कंडक्ट होंगी, पारी ए पारी सेकंड। अब फर्स्ट पारी में अगर हम बात करें जो परीक्षाएं होंगी सुबह 8 से 10 और सेकंड पारी में जो आपकी परीक्षाएं होंगी 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। आपकी जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं और परीक्षाएं जो आपकी 2 दिसंबर से चलकर आपकी भी परीक्षाएं काफ़ी लंबी चलने वाली हैं आप इस प्रकार देख सकते हैं। और जो आपकी अंतिम परीक्षाएं होंगी वो आपकी 22 दिसंबर को कंप्लीट होगी। तो कह सकते हैं जो आपकी परीक्षाएं हैं वो भी काफ़ी लंबी चलने वाली हैं, जो
थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या हम बात कर देते हैं नाइन्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनकी भी जो परीक्षाएं 2 दिसंबर से स्टार्ट होकर आपकी 22 दिसंबर तक आपकी परीक्षाएं चलने वाली हैं। तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको हमने आज बता दिया कि बीए बीएससी बीकॉम का जो टाइम टेबल है पहले जारी कर दिया गया था, और एमए एमएससी एमकॉम का टाइम टेबल आज जारी कर दिया गया है, जिनकी परीक्षाएं अगर हम बात करें 1 दिसंबर से स्टार्ट होकर टोटल 22 दिसंबर के बीच में आपकी सभी परीक्षाएं खत्म होगी। यहां पे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में करीब सभी वीडियो में इन्फॉर्मेशन देते आए हैं कि जो पीजी की परीक्षाएं होती वो आपकी 22 दिसंबर के पहले खत्म होनी थी, और इस प्रकार से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी परीक्षा के शेड्यूल को जारी कर दिया गया है। फर्दर किसी प्रकार अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाई सत्यम श्रीवास्तव को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप माय टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।